आशीर्वाद। प्रतिदिन रात को 8:30 बजे सोने से पहले की प्रार्थना और आशीष। आशीर्वाद। मेरे प्रिय भाई और बहनों, रात्रि के समय में हम अपने हृदय और मन को प्रभु की ओर उठाएं और अपने आप को प्रभु को समर्पित करें। ये रात हमारे लिए और हमारे समूचे परिवार के लिए और सारे विश्व के लिए आशीष की रात बने। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। इस सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता, सारी सृष्टि के सृष्टिकर्ता पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। आज के दिन के एक एक पल के लिए धन्यवाद देते हैं। सुबह से लेकर इस समय तक तूने हमें सुरक्षित रखा, हर प्रकार की विपत्ति से बचा के रखा, दुर्घटना से बचा के रखा, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ए पिता, हम धन्यवाद देते हैं हमारे परिवार के लिए, परिजनों के लिए। तूने हमें परिश्रम देने के लिए शारीरिक सामर्थ्य प्रदान किया, बुद्धि प्रदान की, हमारे परिश्रम का फल तूने हमें प्रदान किया, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। दयालु पिता, हम इस समय अपना सिर झुकाते हैं और ये मानते हैं कि हमने पाप किया, अपराध किया है। जिस तरह लूकस के सुसमाचार के 18:14 में हम पढ़ते हैं, उस नाकेदार ने अपना सिर झुकाकर छाती पीटते हुए कहा, हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। हम भी ये कहना चाहते हैं क्योंकि हम ये एहसास करते हैं कि हमने पाप और अपराध किया है, हमने एक दूसरे को दुख दिया है, पीड़ाएं दी हैं। हमारे मन में पवित्रता नहीं थी, हमारे विचारों में पवित्रता नहीं थी, हमारे मन में ईर्ष्या था, जलन था। दयालु पिता, हम पर दया करना, हमारे पापों के कलंक को मिटा देना, हमें इस समय स्वच्छ करना। पिता, तेरे पवित्र वचन में लिखा हुआ है, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है, तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है। हाँ पिता, हम सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, संरक्षण के लिए प्रार्थना करते हैं। आज की इस रात्रि के समय जब हम शारीरिक रूप से सो रहे हैं, हमें संरक्षण देना, अपने दूतों को खड़ा करके चारों ओर से संरक्षण का बाड़ा बना देना, घेरा बना देना। इस समय विशेष करके हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारे घरों पर रोगी हैं, उन्हें आज की रात अच्छी रात हो उनके लिए और वे शांति से सो सके। हमें अच्छी नींद प्रदान करना पिता, ताकि कल का दिन हमारे लिए एक नया दिन, उत्साह भरा दिन बने। ए प्रेमी पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं मेरे भाई बहनों के लिए, इस रात्रि के समय के लिए धन्यवाद देते हैं, जीवन के वरदान के लिए धन्यवाद देते हूं। इस समय उन सबको तेरे हाथ में समर्पित करता हूं, तेरी उपस्थिति उन्हें प्रदान करना, तेरे सानिध्य में, तेरी उपस्थिति में वे अच्छी नींद सो सके, हर प्रकार के अंधकार की शक्ति और दुष्ट आत्मा से भी बचे रहें। आज पूरी रात उनके लिए एक शांतिमय रात हूं, कल सुबह वे तेरे लिए, तेरे राज्य के लिए कार्य करने के लिए फिर एक बार ताजा जीवन प्राप्त करके उठ सकें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आशीर्वाद।